और चलिए अब खबरें विस्तार से। भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर, जहां बांधवगढ़ में हाथियों की मौत मामले में सख्त है अब केंद्र सरकार। 10 हाथियों की मौत पर पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल, और हाथियों की मौत पर रिपोर्ट तैयार करने में सरकार जुटी हुई है। विशेषज्ञों को मृत हाथियों की लैब रिपोर्ट का इंतजार है। मामले में सीएम मोहन यादव ने भी एक्शन लिया, वन विभाग के 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। तो भोपाल से बड़ी जानकारी, अब मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ केंद्र सरकार भी सख्त और एक्शन और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 10 हाथियों की मौत पर पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है, ये बड़ी जानकारी। हाथियों की मौत पर रिपोर्ट तैयार करने में सरकार जुटी हुई है और विशेषज्ञों को मृत हाथियों की लैब रिपोर्ट का इंतजार है। मामले में सीएम मोहन यादव ने एक्शन लिया है, संज्ञान में ले रहे हैं। वन विभाग के 2 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी जानकारी, भोपाल से जुड़ी बड़ी खबर। जिस तरह से हमने देखा हाल ही के दिनों में 10 हाथियों की मौत हो जाती है, और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मोहन सरकार के साथ साथ अब केंद्र सरकार भी एक्शन और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, केंद्र सरकार नहीं केवल नहीं बल्कि पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। वैसे जांचों की बात को देखें तो केंद्रीय वन मंत्रालय, राज्य के वन विभाग के साथ साथ में लोकल बांधवगढ़ प्रबंधन ने भी, टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने भी अपनी अपनी जांच टीम गठित की है और इस मामले पर अलग अलग तरीके से जांच की जा रही है। इन तीनों टीमों में अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स हैं जो जांच कर रहे हैं कि आखिर 10 हाथियों की एक साथ में मौत की वजह क्या है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक चौथी कमेटी बनाई थी जिसे हाई पावर कमेटी कहा जा रहा था। इस कमेटी ने जाकर अलग तरह की जांचें की है और वहाँ पर कोई लापरवाही सामने आई है तो उसमें 2 अफसरों को सस्पेंड भी किया है। इस पूरे मसले पर, चूंकि ये बेहद गंभीर मामला है और 10 हाथियों की एक साथ मौत की घटना देश में पहली ऐसी घटना है जो चौंका देती है और वाइल्ड लाइफ जगत को ये परेशान करने वाली घटना है, और पूरे देश के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स इस मामले पर सख्ते में हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी मौत की वजह क्या है। तो पीएमओ ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और डिटेल रिपोर्ट मिलने के बाद में एक ये वजह सामने आ पाएगी कि आखिर इन हाथियों की अगर मौत हुई है तो उससे बचने के, भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो इसके लिए अगर कोई गाइडलाइन की ज़रूरत है या देश में कोई निर्देश जारी करने की ज़रूरत है तो वो निर्देश पीएमओ की तरफ से भी जारी किए जाएंगे। इस गंभीर घटना के बाद में कि फिलहाल स्थिति ये है कि जो शुरुआती हाथियों की मौत के बाद में जो शुरुआती जानकारी सामने आई थी उसमें ऐसा लगा था कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन है, उनकी आंतें ख़राब हुई हैं और संक्रमण की वजह से उनके लीवर में भी डैमेज हुआ है। इस आधार पे ये पता लगाया गया कि शायद कोई जहरीला पदार्थ या कीटनाशक या फिर कोई फफूंदयुक्त फसल का सेवन उन्होंने कर लिया है। आसपास के इलाकों में कोदो की एक फसल है जो आदिवासी इलाकों में कही जाती है, जो श्री अन्न की फसल कही जाती है। यह प्राकृतिक वातावरण में पैदा होती है फसल और इसकी पैदावार के लिए आदिवासी बड़े पैमाने पर काम करते हैं। तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि कोदो की फसल में जो फंगस लगी हुई है इसका सेवन करने के बाद में हाथियों की मौत हुई है। तो शुरुआती तौर पर तो ये जानकारी सामने आई है, लेकिन कुछ सैंपल्स मृत हाथियों के लिए गए हैं जो जबलपुर लैब में, स्पेशल लैब में भेजे गए हैं जहां पर वाइल्ड लाइफ के फॉरेंसिक जांच की जाती है। इस लैब की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तब तक कोई मुकम्मल किसी फैसले पर नहीं पहुँचा जा सकता है कि हाथियों की मौत की वजह आखिर क्या है। शुरुआती तौर पर तो ये देखा जा रहा था कि किसानों ने फसलों पर कीटनाशक फेंक दिया हो, बिल्कुल और बिल्कुल, उसकी वजह से हाथियों का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि हाथियों ने वो फसल को खाया हो और उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई हो और स्थिति ज्यादा खराब होने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन फिलहाल तो जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, जो लैब रिपोर्ट आने का इंतजार सभी कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या खाया हाथियों ने जिससे 10 हाथियों की मौत हो गई। बहुत शुक्रिया आपका संदीप।